गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद समी। और इस टाइम हम जा रहे हैं कोई स्पेशल जगह हिमाचल प्रदेश में, और क्या है वो जगह वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हम रुके हैं एक ढाबे पे, उस ढाबे का नाम है झिलमिल ढाबा। ये देखिए आप, झिलमिल ढाबा है और ये बस है जिस पे हम सवारी कर रहे हैं। अभी 2 घंटा हुआ है दिल्ली से चल के, और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, कुछ खाएंगे और देखते हैं खाने में क्या है, पराठे वराठे क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे किस तरीके का टेस्ट है। आगे की ट्रेवलिंग जारी रहेगी। आइए आइए सर, आइए आइए, और सब स्टाफ लोग जा रहे हैं, चलते हैं झिलमिल ढाबे की तरफ। और ये हमारे ड्राइवर साहब है। ड्राइवर साहब गाड़ी वाड़ी हल्की चलाते हैं यार, जरा फास्ट चलाएंगे। बंदी हुई गाड़ियां। अच्छा बंदी, देखो भाई। और ये आ गए हम झिलमिल ढाबे पे, ये है हाईवे। 2 घंटे का सफर तय करके दिल्ली से फिलहाल अभी हम आए हैं झिलमिल ढाबे के पास। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो झिलमिल ढाबा 2 नहीं 3 है, और ये पूरे ख़ानदान, इनके ख़ानदान का ही झिलमिल ढाबा है, भाइयों का ही है। और अच्छा सेटअप है पूरा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इधर देखिए अम्बाला और दिल्ली के लिए रास्ता है ये। 2 घंटे का सफ़र जब आप ट्रेवल करते हो, जब आप जाते हो अम्बाला साइड में, तब ये आपको झिलमिल रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। देखिए एक वो झिलमिल ढाबा है, ये एक झिलमिल ढाबा है, और एक ये वाला झिलमिल विष्णु ढाबा लिखा हुआ है। तीनों ख़ानदान का ही ढाबा है। अब पराठे का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब पराठा आता है। लेट्स सी। पराठे तंदूरी पराठे, ये देखिए तंदूर में स्पेशल तंदूर के पराठे तैयार होते हैं यहाँ पे। ये देखिए पराठे तैयार किए जा रहे हैं स्पेशली। और क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी, अपना सुनाइए। बस बढ़िया, पराठे एकदम हर तरीके के पराठे बना रहे हो जी? जी। तंदूर में, कोयले में, गैस में? ये कोयला है। कोयला जी। कोयले भी तैयार किया जा रहा है भाई, उधर का भी लो स्पेशली तंदूर के पराठे। बढ़िया है, कुल मिला के ओवरऑल ठीक है सर। ठीक है, तो इन लोग को ठीक लगा, अच्छा लगा। लेट्स सी आगे चलते हैं, आगे नज़ारे और भी मिलेंगे खाने को। हाँ बिल्कुल। और फिलहाल अभी बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों से, एंजॉय करते हैं और चलते हैं बस पे। 1:30 बजे पहुँचेंगे कसौली। देखो बारिश हो रही है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, और यही है एंजॉयमेंट का तरीका। अब हम चलेंगे, बस रेडी होने वाली है, बस के कारवे के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। कसौली, और ये है कसौली का सरप्राइजिंग विजिट, और ये है कसौली रिसोर्ट। तो पब्लिक यहाँ पे बहुत आ रही है स्टे करने के लिए। आप देख सकते हो कार भी ज़्यादा है, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना है। ये है कसौली रिसोर्ट। देखिए कितनी ज़्यादा ढलान है यहाँ पे, आपको यहाँ से संभल के उतरना होगा। लेकिन रोड जो है धामपुर से कसौली, तो रोड बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और सिंगल वे है, तो हमें एटलीस्ट लग गया कम से कम हाफ एंड आवर से ज़्यादा मेरे ख्याल से। तो ये वो रिसोर्ट है जहाँ हम रुकना चाहेंगे। और
क्या है ये? गुआवा जूस है। तो ये है गुआवा जूस, टेस्ट करते हैं। जैसे आप रिसेप्शन पे आओगे तो ये आपके लिए वेलकम जूस है, गुआवा जूस। अच्छा, तो मैनेजमेंट स्टाफ ने बोला कि पहले आप लंच कर लें, तो चलिए चलते हैं, पहले लंच करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरीके खाना है। टेस्ट के लिए भी ये सिस्टम लगाया गया ताकि स्टेयर से उतनी जो नहीं उतर पाएंगे उसके लिए, ये हैंडीकैप के लिए जो प्रॉपरली नीचे आ सकते हैं। तो स्टाफ ने कहा कि पहले आप लंच कर लो कि ऑलरेडी चेक इन में भी टाइम लगेगा। और ये है पूरा लंच सिस्टम, देखते हैं कसूरी का टेस्ट कैसा है। हम ट्राई करेंगे सूप कैसा है यहाँ का, इस और एंजॉय करते हैं, देखते हैं कैसा है सूप। ठीक है, सूप थोड़ा टेस्टी है, टटपटा है। सूप के बाद फिर खाना ट्राई करते हैं। और ये लंच और डिनर लॉन्च है, आप देख सकते हो सामने बार बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा व्यू है। ये रोटी, सैलेड और थोड़ा सा चाउमीन है, दाल मखनी है और मिक्स वेज। तो खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है यहाँ का कसौली रिसोर्ट का खाना। लंच के टाइम लंच का फीडबैक प्रोवाइड करेंगे आपको, और फिर देखते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, वायल की थोड़ी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और आपको पता है कि सर में बाल तो है नहीं, ठंड तो लगेगी, तो टोपा भी नहीं लेके आया। खैर, इंजॉय करते हैं सर्दी का, और ये स्टार्ट करते हैं मिस्सी की रोटी के साथ और दाल मखनी। नॉट बैड, बैठे हुए थे साथ में। मिस्सी की रोटी बहुत सॉफ्ट है, मैं कहता हूँ यहाँ का पानी जो है ना अच्छा है खाने के लिए। आप लोग जब भी यहाँ पे डेफिनेटली खाना यहाँ का, आपको पानी ला के अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, अरे मैंने एक पार्टनर को बोला है कि दो तीन और वेजिटेबल्स जो भी है या पनीर है वो लेके आओ ताकि हम ट्राई करें। ये क्या है, ये पनीर ही है, लेट्स ट्राई, अभी ट्राई करते हैं। पनीर का टेस्ट भी अच्छा है ओवरऑल, मैं कहूँ तो खाना लंच इस टाइम पे हम खा रहे हैं अच्छा है, फीडबैक मेरी तरफ से। देखते हैं, इंजॉय करते हैं, और साथ में देखिए चावल मटर के साथ, और ये पनीर, अगेन पनीर है और दाल मखनी। चलिए इंजॉय करते हैं लंच, और उसके बाद बताएंगे आपको आगे की कहानी, जानकारी और कहानी। है 202 नंबर है मेरा, और प्यारा सा व्यू, ये आ गया आपका कसौली, वेलकम टू कसौली। ये आपकी बालकनी है रूम से, और ये प्रॉपर नीचे हो गया आपका स्विमिंग पूल, और ये सारा सेट है सामने है, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं। और ये सबसे पहाड़ी इलाका, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, बारिश अब रुक चुकी है, बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा है इस टाइम कसौली का।
है आपका, बाहर भी दो चेयर और एक टेबल है, और ये है आपका रूम। वेल डिफाइंड। अब हम दिखाते हैं इसका वॉशरूम। ये है वॉशरूम, प्रॉपरली वेस्टर्न प्लस फेस वॉश बायोटिक का। एज यूजल हमेशा आप देखोगे बायोटिक का ही मिलता है, मुझे तो हमेशा बायोटिक का मिलता है जिस होटल में रुका हूँ। सारा नोरेशन क्रीम, ये बायोटिक का सोप, टॉवल, और ये है आपका नहाने का प्रॉपर बाल्टी और वहाँ। यही मुझे चाहिए देसी चीज़। टब वब से यार बेकार होता है, और यहाँ पर रखा है टॉवल। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्लीननेस अच्छी है। वुडन की लकड़ी का आपका अलमीरा भी है, साथ में मिलेगा आपको गोदरेज का एक सेफ्टी बॉक्स और कुछ हैंगर। थोड़ा सा आपको ओल्ड फैशनेबल स्टाइल में आपको ये होटल नज़र आएगा, लेकिन अच्छा है प्रॉपर व्यू के साथ। मैं रूम के अंदर हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने कैप पहन रखा है, क्योंकि सब हो रही है ठंड, तो फिलहाल तो अभी उतार देता हूँ कि रूम के अंदर हूँ। और मैं दिखाना चाहता हूँ रूम के बाहर का नज़ारा इस टाइम कश्मीर में कैसा होता है। थोड़ा सा डार्क है, बड़ा शांत मौसम है, मतलब कि क्या कहूँ, मतलब कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, मार्केट भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। बस यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो रात में कहीं दूर रिसोर्ट में, और आसपास के नेचर्स को आप वॉकिंग करके, पहाड़ों में जाके ट्रैकिंग करके आप इंजॉय कर सकते हो। आगे शायद मार्केट होगी, वो हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा रात हो गई, 9 बजे के हम डिनर के लिए जाना है। फिलहाल ये है अपना रूम, जो रात का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है इस टाइम। स्विमिंग पूल चीज तो यार स्विमिंग पूल में कूद जाओ, लेकिन इतनी ठंड हो रही है कि क्या कह सकते हैं, तबीयत ख़राब होने का डर है। बहुत ही शांत और हल्की हल्की सी शीतलहर टाइप की हवा चल रही है, रियली नाइस। थोड़ा सा अगर आप चाहते हो ना, थोड़ा सा चाहते हो कि आप भीड़ भाड़ से दूर, और जॉब से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको और लगता है कि नहीं थोड़ा कहीं दूर जाऊँ जहाँ सुनसान हो, सन्नाटा हो, जहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल ना हो, तो कसौली से अच्छी कोई जगह नहीं है फिलहाल मेरे लिए जिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल लेट्स सी, अब नीचे चलते हैं और डिनर में देखते हैं आज क्या है खाने को, और बताएंगे आपको उसके बारे में। कि रूम से बाहर निकलते ही यहाँ पे आपको लकड़ी का काम ज़्यादा मिलेगा, कुछ हेरिटेज ऑर्नामेंट्स भी रखे हुए हैं, एकदम कटोरा टाइप का है, पता नहीं ये क्या है। हाँ, और ये पूरा टेबल है लकड़ी, आज भी आपको इस तरीके की लकड़ी पुरानी टाइप की मिलेगी जो बुनी हुई है हाथों से। और ये पूरा गैलरी है। देखिए लोग आ चुके हैं खाने के लिए। एज यूजल डिनर के टाइम सैलेड्स, प्याज, ऑनियन, खीरा, मैक्रोनी सलाद और क्रिस्पी नूडल सलाद, ये आपका रायता। और डिनर में आपको मिलेगा वेज नंचा सूप, येलो दाल तड़का, पनीर मखनी, आलू मटर, मकई पलक, असॉर्टेड इंडियन ब्रेड, एम्प्टी है। बाकी अगर नॉन वेजिटेरियन की शौकीन है तो आज चिकन करी है और घोस रोगन जोश, ये है डिनर का मेन्यू। साथ में ये देखिए बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट, और
हम बात करें स्वीट्स के बारे में, तो स्वीट्स में आपको मिलेगा, स्वीट्स में क्या है भैया, वाह जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी और साथ में आइसक्रीम। सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है खाने के लिए, बहुत अच्छा और पीसफुल है। जब भी आप आ सकते हैं तो रियली आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। स्विमिंग पूल का सेट है इधर, ये सबसे अच्छा लोकेशन ये है और सारा मेटल का आपको यहाँ चेयर मिलेगा, क्योंकि अक्सर बारिश होती रहती है तो डेफिनेटली बारिश के टाइम अगर हम वुडन यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और ये रहा मेरा फेवरेट स्विमिंग पूल, लेकिन इतना ठंड है कि वाकई में पानी बहुत ठंडा होगा। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो एक बार मैं चेक करके देखता हूँ पानी कितना ठंडा है। वाकई में पानी ज़्यादा ही ठंडा है, लेकिन थोड़ा कंपेयर टू एयर पानी उतना ठंडा लग नहीं रहा है। और ये है लोकेशन पूरा रेस्टोरेंट का, आप नाइट विजन देखो, आप बेस्ट लग रहा है इस टाइम। ये है नाइट लोकेशन, नाइट विजन रियली अप्रिशिएबल, बहुत ही ज़्यादा सुकून के साथ है वाकई में। मैं क्या बताऊँ आपको, लिखा है दिस इज द फर्स्ट वाटर फिल्टर यूज्ड इन राष्ट्रपति भवन बाय द इंपीरियलिस्ट, नेमली द लास्ट टू वाइसरॉयज लॉर्ड हेवेल्स एंड लॉर्ड माउंटबेटन। ये वो है वाटर फिल्टर, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ओल्ड हेरिटेज काइंड के स्टैम्प्स हैं। लिखा है एन एक्सक्लूसिव स्टैम्प कलेक्शन बाय कैडली। ये पिकाडली कौन है? पिकाडली सर रिसोर्ट का नहीं है, कसौली रिसोर्ट का। अरे कसौली रिसोर्ट में है ज़्यादातर, आपने अंग्रेज़ों के फ़ोटो किए हैं? यस सर। अंग्रेज़ों के फ़ोटो किए हैं? नहीं, पुराने टाइम, वो पुराने टाइम के हैं। और यहाँ पे क्या है, शैंपेन वगैरह? बार, एक बार बना रखा है छोटा सा सेटअप। और ये है दापर फोटोग्राफी, इज द वेरी बेस्ट मैप ऑफ बॉम्बे ड्राफ्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एरियल व्यू ऑफ कसौली टाउन। पुराने हेरिटेज इन्होंने लगा रखा है, ये उन्होंने कसौली का एक छोटा सा ड्राइंग टाइप से है, अच्छे सेटअप है प्रॉपरली। डिनर करते हैं, चलो डिनर स्टार्ट करें और हम सूप ट्राई करेंगे। थोड़ा सा चाउमीन मिक्स है और ये है सैलेड, जिसमें कि क्या कहते हैं कि मंचूरियन टाइप का है, आई थिंक सो। साथ में है दही दाल, ट्राई करते हैं कैसा है इनका सूप पहले डिनर के टाइम का, फिर आगे बात करेंगे। नॉट बैड, अच्छा है, लेकिन उतना चटपटा नहीं है, हो सकता है कि सबको अपना अपना पसंद होता है, लेकिन मुझे ठीक लगा, सो एंड सो। ये अच्छा है, इसमें आपको मिल रहा है बादाम जो फ्राई किया हुआ है, ये देखो आप, अच्छा ये टेस्ट। हर एरिया का खाना चेंज होता है पानी की वजह से, पहाड़ों में पानी अलग तरीके का होगा, नीचे जाएंगे पानी अलग तरीके से है, गांव में जाएंगे पानी अलग तरीके से मिलेगा। जो पानी का इन्वायरमेंट होता है खाने के साथ, उस हिसाब से टेस्ट चेंज हो जाता है। किसी किसी पानी में खाना जल्दी गलता नहीं है, किसी पानी में बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है खाना, बहुत अच्छा और टेस्टी खाना बनता है। यहाँ का दही देखते हैं ट्राई करके, दही गला ख़राब हो सकता है लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। और ये देखिए, ये आ गया मिस्सी की रोटी और
और ये क्या है? पालक और मक्का। पालक और भुट्टा, भुट्टे का दाना जो होता है, मक्के की कॉर्न। और ये है पनीर एज यूजुअल। और ये आई थिंक आलू मटर की सब्जी। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं डिनर पे, अब हम ट्राई करेंगे, खाते हैं और बताएंगे कि कैसा टेस्ट है आपका। अच्छी लग रही है सूप। और कैसा लग रहा है ये थोड़ा? कैसा लग रहा है सागर? कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाना अच्छा है? खाना बढ़िया। सागर कैसा लग रहा है खाना? खाना बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है, रोटी टेस्टी है, रोटी भी अच्छी है। अच्छा, ये दाल टेस्ट किया आपने? दाल अभी नहीं करी है, बाकी पनीर तो अच्छी है, सलाद भी अच्छा है। तो गाइस मेरे साथ सागर है और कह रहे हैं कि खाना अच्छा है। मैंने भी ट्राई किया खाना, मिस्सी की रोटी मैंने लंच में भी लिया था क्योंकि वही अच्छा है। और जो ये स्पेशली ये जो आपका ये है आपका साग विथ कॉर्न, ये मुझे बहुत ही अल्टीमेट लगा। अल्टीमेट लगा, न्यू डिश लगी मुझे। ज़्यादातर लोग साग के साथ पनीर बनाते हैं, लेकिन मैंने कॉर्न के साथ पहली बार खा रहा हूँ और अच्छा है। दाल भी है और पनीर एज यूजुअल तो सेम रहता है, लेकिन डिनर में फिलहाल सबसे अच्छा जो हिट लगा हुआ है साग विथ कॉर्न अल्टीमेट। थोड़ा सा ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का डिनर भी 10 में से 9 मार्क्स है, अच्छा है। सिर्फ चावल आपको मोटा नहीं मिलेगा, अगर आप बिहारी हो या कोई और मोटा की शौकीन हो तो चावल के वो चावल नहीं मिलेगा, लेकिन पतला चावल मिलेगा, लेकिन अच्छा है, हाइजीनिक है, क्वालिटी अच्छी है। बाकी अपना अपना टेस्ट है, मेरा काम था आपको रिव्यू देना इस रिसोर्ट के बारे में कसौली में, वो मैंने जेन्युइन रीज़न बाय हार्ट दिया है। तब तक लिए खाना खाते हैं, टेस्ट करेंगे जलेबी और साथ में है ये मेरे ख्याल से रबड़ी। क्रिस्पी है। सागर बताओ कैसा है? सागर बताओ कैसा है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, टेस्टी है, जलेबी भी अच्छी है और रबड़ी भी अच्छी है। अच्छा, रबड़ी जलेबी दोनों मस्त है, क्वालिटी अच्छी है। चलिए, ये तो लास्टली रबड़ी जलेबी का मिठाई का लुत्फ उठा लिया है। अब चलते हैं बाहर, बाहर जाके देखेंगे किस तरीके का माहौल होगा, अभी वक्त के ज़बरदस्त होने वाले हैं और थोड़ा रोड की तरफ चलते हैं वॉक करने के लिए। यही बहुत हल्की और क्रिस्पी है। अच्छा अल्टीमेट कर लिया हमने, अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, देखते हैं क्या अच्छा है बाहर। वैसे तो सन्नाटा रोड नज़र आ रहा है, कैप मैंने कवर किया है सर पे क्योंकि ठंड वाकई में है, लेकिन ठंड के साथ साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब आप दिल्ली में आप रहते हो या यूपी ऐसी जगह जहाँ गर्मी बहुत होती है और अचानक आप ऐसे मौसम में आते हो ना, रियली अमेजिंग। और साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है, ये देखिए पूरा इंक्लाइंड ढलान भी है और 90 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट ऊपर जा रहा है और मैं अपने बॉडी को पुश कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे जो बंदा रहेगा ना वाकई में फिट हो जाएगा, चाहे आप कितना भी कुछ खा लो, पनीर ढोकला अल्टीमेट है जी। और खाना तो पच गया है, ओह माय गॉड, ये देखिए मेरी सांसें फूल रही हैं। और ये है वो नज़ारा, कितना नीचा है देखिए, कितना इंक्लाइन है, ये हम चढ़ के आए। और अगर मैं ये मेन रोड है, अब हम मेन रोड की तरफ देखें, एक है राइट राइट और एक है लेफ्ट, ये है वो कसौली। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, तो कीचक और से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में आज है मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, कोल्ड कॉफ़ी, मसाला लस्सी, ये कुछ फ्रूट्स हैं
और यहाँ पे आपको मिलेगा टोस्ट करने के लिए प्रॉपर मशीन, जैम, बटर और ये कॉर्नफ्लेक्स, भाजी, पूरी और चटनीज आर रेडी। और ये है स्टफ पराठा और सामने मिलेगा आपको बॉइल्ड एग। और ये है दो फ्राई पैन जो अभी कुक आएगा, उसके बाद वो तैयार करेगा अपना फ्राइड करने के लिए एग जिसको रिक्वायरमेंट होगी। तो नाश्ता कर लेते हैं इससे पहले कि और भीड़ आए, और फिर वर्कआउट करेंगे, देखेंगे आगे क्या क्या प्लान है, क्योंकि आज वापस भी जाना है। ओवरऑल अच्छा लगा यहाँ पे रुके स्टे करके, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ के आसपास आपको होटल ज़्यादा हैं, रिसॉर्ट इसी तरीके के मिलेंगे, लेकिन यहाँ कोई ऐसा शहर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं है। बट आप यहाँ आके स्टे कर सकते हो, फील कूल माइंड होके यहाँ पे रह सकते हो। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तब तक के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने दो जगह लिया है इसको और अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कैसा है तब तक के लिए एंजॉय करिए। एज यूजुअल पराठा, थोड़ा सा वेट लॉस कर रहा हूँ इसलिए कम खाऊंगा पराठा, देखते हैं पराठे से दही के साथ अच्छा लगेगा। अल्टीमेट ब्रेड में जैम मिला जाए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो प्रेफर कीजिए जहाँ भी स्टे करें और कोशिश करते हैं वेट लॉस के लिए, तो पोहा का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आप देख सकते हो ये वाइट रोज है यहाँ पे, और ये लोकेशन पूरा इसी कसोली रिसोर्ट का है। ये सामने हाउस टाइप का एक कॉन्सेप्ट में स्टे करने के बनाया गया है, ताकि अगर फैमिली के साथ स्टे करना है प्रॉपरली, 6 से ज़्यादा लोग हैं तो प्रॉपरली आपको ये पूरा घर मिलेगा। और ये है पूरा वो रिसोर्ट, शायद यहाँ कहीं शादी हो रही है कसौली में, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और ये है व्यू, इतनी सुकून है यहाँ पे, हल्की हल्की बारिश और बादलों का हुजूम है यहाँ पे।